हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल का चीला, एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कच्चे चावल और मसालों के साथ मिलकर बनाया जाता है। यह डिश हर घर में बनती है और बहुत सरल तरीके से बनाई जाती है। इस रेसिपी को आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। चावल का चीला बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चावल लिया है एक बाउल में, जिसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा हो गया है, चावल अच्छे से फूल गया है, इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। मिक्सी जार में चावल डालकर और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर चावल को पीस लेते हैं। देखिए, चावल पीसने के बाद चावल थोड़ा सूजी जैसा दिखता है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी बचा चावल भी पीस लेते हैं। बैटर को थोड़ा देर तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर फ्लफी हो जाए। मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है। इसे ढककर रख देते हैं। आम की चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में कटे हुए आम, छोटा टुकड़ा अदरक, 5-6 कली लहसुन, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, कटा हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेते हैं। देखिए, चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर अच्छे से सेट हो गया है। इसमें हम एक बारीक कटा प्याज, अदरक किसा हुआ 1 टुकड़ा, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। बैटर अभी गाढ़ा है, इसे पतला करने के लिए पानी मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ 1/2 गिलास पानी डालकर मिक्स किया है ताकि चीला अच्छे से बने। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर 1 चम्मच से बैटर डालकर फैला देते हैं और एक साइड से पकने देते हैं। तब तक पकाएंगे जब तक चीला का कलर चेंज नहीं हो जाता। चीले के सभी तरफ चम्मच से तेल डाल देंगे ताकि चीला अच्छे से पक जाए। देखकर ही पता चल रहा है चीला अच्छे से पक गया है। इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी पकने देंगे। चीले को निकालकर इसी तरह से सभी चीले बना लेंगे और गरम गरम ही सर्व करेंगे। तो बताइए, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।